Hi friends, today's topic of discussion is pulse tube refrigeration. पल्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन में क्लोज ट्यूब होती है जो प्रेशराइज होती है और डी प्रेशराइज होती है बार बार, और ये प्रेशराइजेशन और डी प्रेशराइजेशन वॉल्व मैकेनिज्म से हो पाता है। और जो मेन कंपोनेंट्स हैं पल्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन के, वो हैं पल्स ट्यूब, रीजनरेटर जिसे रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, वॉल्व मैकेनिज्म। सो यहाँ पे टोटली दो साइकिल होते हैं, एक को कहते हैं प्रेशर बिल्डअप एंड हीट रिजेक्शन। इसमें प्रेशर बढ़ता है और जो हीट है, जो गर्मी है, वो रिजेक्ट होती है यानी बाहर की तरफ जाती है। और दूसरी साइकिल होती है प्रेशर रिलीज़। तो प्रेशर रिलीज़ होता है और हीट जो है एब्जॉर्ब होता है। सो फर्स्ट साइकिल में जो वॉल्व मैकेनिज्म है वहाँ से हाई प्रेशर गैस रीजनरेटर में आती है, जहाँ पे वो रेफ्रिजरेशन की वजह से कूल हो जाती है। और ये गैस जो अंदर ऑलरेडी जो मौजूद गैस है उसे प्रेशराइज करती है। इसका मतलब वो एक तरह से गैस पिस्टन की तरह काम करती है और मौजूदा गैस को कंप्रेस करती है, और इस वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और जो ट्यूब गैस है वो क्लोज्ड एंड की तरफ जाती है पल्स ट्यूब के। और अब हीट जो है वो रिजेक्ट होती है, मतलब बाहर जाती है हीट, और यहाँ कूलिंग मीडियम के वजह से तो उसका टेम्परेचर और कूलिंग मीडियम का टेम्परेचर एक जैसा होने लगता है। इस वक्त दूसरा जो साइकिल है वो शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं प्रेशर रिलीज एंड हीट एब्जॉर्प्शन। इस साइकिल में जो गैस पल्स ट्यूब में होती है वो एग्जॉस्ट से कनेक्ट हो जाती है और रिलीज होती है, जिस वजह से यहाँ पे एक्सपांशन होता है ऑफ द ट्यूब गैस और टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है और ये पूरी जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। तो शुरुआत होती है गैस अंदर आने से और साइकिल ख़त्म होती है गैस के एग्जॉस्ट से।